हेलो एवरीवन, एसएस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल साहू और आप देख रहे हैं एसएस क्रिएशन। एसएस क्रिएशन में आज हम देखें पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस नोट्स चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देन सेकेंड है सेल। सेल आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब आपके नोट्स से आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। देन है सिंगल एंड मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म। देन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड्स बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द फूड। हाँ, सही बात है। देन है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। आपका फर्स्ट चैप्टर आपको पता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो हमको इसमें प्लांट्स के ऊपर सारे प्लांट्स की न्यूट्रिशन को ही देखना है, प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? जो अपने फूड खुद ही बनाते हैं, ठीक है, वो होता है ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? जो किसी और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। हाँ, देन तो अब आप समझ में आ फोटोसिंथेसिस। गए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, और हाँ वो हाँ यह तो है। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। देन है हाँ, ऑर्गेन्स, सही तो देन है बोल क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन देन न्यूट्रिशन बीइंग रिप्लेस्ड इन सॉइल, कि सॉइल में मतलब न्यूट्रिशन, जैसे एक बार वाटर और बाकी के न्यूट्रिशन एक बार प्लांट्स ले लेता है रूट के थ्रू, तो फिर बाद में उसमें न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? तो वही रिप्लेशन इन सॉइल है। न्यूट्रिशन देखिए यहाँ पे आपके डेफिनेशंस दिए हैं, कुछ पॉइंट्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देन है तो राइबोसियम, बस देन है वाह नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन है पैरासाइट, उसके बाद है सेप्रोफिट्स। पैरासिटिक्स क्या होते हैं? अ पैरासिटिक इज अ हाइड्रोट्रॉप्स दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अनदर अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड्स। जैसे वो अपने फूड्स कि के लिए पूरी अगर इधर तीन तरह साइड से कहीं किसी और और मैं प्लांट्स बैठी के हूँ ना, ऊपर, मेरे किसी को और अपना चीजों के मतलब ऊपर कहीं और डिपेंडेंट होते हैं। देखी सेप्रोफिट्स ऑर्गेनिजम्स विच रिले ऑन डेथ एंड डीके मटेरियल्स फॉर देयर फूड्स आर कॉल्ड सेप्रोफिट्स। ये क्या होते हैं? ये डेथ और डीके मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वही अपना फूड, वही से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, यहाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप तो जानते ही होंगे, जो इंसेक्ट्स को खा जाता है। ठीक है, वो अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आप जान लीजिए, डिड यू नो कि आप ये सब जानते हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक, कमेंट और वही शेयर जरूर ज्यादा था कीजिएगा। थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू सो मच।